कितना बढ़िया शासन चल रहा है, कहीं चोरी नहीं, डकैती नहीं, लूट नहीं। अभी कितना SC-20 का चुनाव है, मुकाबला ही नहीं है कोई। अजी उसका तो ये जुबलेबाजी है, यही तो लड़ाने का काम क्या उन्होंने करा, क्या है भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। 2014 से पहले किसके पास नौकरी थी बताओ, 2014 पहले किसके पास नौकरी थी बताओ, 14 पहले बताओ ना, नौकरी नहीं की। नफरत फैलाई और कुछ नहीं करा, मंदिर मस्जिद मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान घाट और करा क्या इसके अलावा बताइए तो मुझे, कहीं चोरी नहीं डकैती नहीं लूट नहीं, कितना बढ़िया शासन चल रहा है। परिवार टीवी, किसकी सरकार बनने जा रही है लगता है आपको? बीजेपी ने इस क्षेत्र में ये चुराया, आप बाथरूम देखो कहीं है कि कहीं कुछ क्या करा, ये नाले देखो सब कुछ, कुछ भी कार्य कुछ नहीं करा, खाली जुबलेबाजी है। बस अड्डा बस अड्डा नहीं आया, कभी वहां ले जा कभी वहां ले जा कभी वहां ले जा। सर केपी मलिक है, उसका मकान जाके देखो आप कैसा बना, 5 साल में कहां से बना, जनता की कोई भी सुनवाई किसी तरह की कोई कार्य बीजेपी ने नहीं करा, इसीलिए लोगों का मन बदल गया है समाजवादी पार्टी की तरफ। तो बीजेपी तो कहती है, मुख्यमंत्री तो कहते हैं 80-20 का चुनाव है, मुकाबला ही नहीं है कोई। अजी उसका तो ये जुबलेबाजी है, यही तो लड़ाने का काम क्या उन्होंने करा, क्या है भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, नफरत फैलाई और कुछ नहीं करा, मंदिर मस्जिद मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान घाट और करा क्या इसके अलावा बताइए तो मुझे, काला धन आ गया, आप काला धन आ गया क्या बता दो तो मुझे, किसी को 2 करोड़ नौकरी का सवाल था, 200 आदमी को मिले हो प्रदेश में तो बता दो मुझे, 200 आदमी को नौकरी मिले हाथ उठा दो, और बेरोजगार हाथ उठा दो, कितने बेरोजगार हैं, देखो सारे बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगार। 2014 से पहले किसके पास नौकरी थी बताओ, 2014 से पहले किसके पास नौकरी थी बताओ, 14 पहले बताओ ना, नौकरी नहीं नौकरी नहीं की सरकारी नौकरी प्राइवेट चोरी है, सारी सरकारी थी सारी सरकारी थी प्राइवेट चोरी, सुनो नहीं नौकरी चाहिए, एक तो कोई नारे मत लगाओ क्योंकि हमारा कैमरा तो हमें दिखाएगा ना जो हम दिखाएंगे, तो पहले दोनों के बीच बात होने दो आराम से, कोई और नारे मत लगाओ, आप अपनी बात रखो, ये अपनी बात तभी तो आएगी यार, ये तो कह रहे कि सब सरकारी कंपनियां बेच रहे मोदी जी, कंपनी बेच रहे माने तो कंपनी बेच रहे, अब सब पहला किसकी सरकारी नौकरी लगी थी, मतलब जो नौकरियां कम तो कर दी ना मोदी सरकार ने, जैसे SSC की 15,000 भर्ती निकलती थी 2014 में, अब निकलती है 6,500-7,000 के करीब, तो आधी नौकरी कर दी ना, नौकरी आधी कर दी, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कहां जाओगी, नौकरी तो आधी कर दी, सुनो पढ़ने वाले में बेरोजगारी नहीं है, मेरा भाई था 6 साल तैयारी करी SSC की, इनकम टैक्स में नंबर आया उसका। एक बात बताओ, कितना बढ़िया शासन चल रहा है, कहीं चोरी नहीं डकैती नहीं लूट नहीं, अभी कितने ट्वेल्व पे स्टार्टर नहीं रहते थे, मोटर पे मोटर नहीं रहता था, आज कोई किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और दिन में 10 घंटे बिजली आती है, किसान इतना खुशहाली है आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, आराम से घर सोता है आइसन में, अब इनको क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि चोरी डकैती उल्टे सुधे लूट मार के काम ही नहीं, उन्हें चाहिए उनमें खुश नहीं है, सच्चाई ये है बहुत आराम है, नींद आराम से सो रहे हैं, कोई चैन नहीं है, पिछले हफ्ते ATM लुटा जी सर आम ये सुन पिछले हफ्ते और चार यही लूट रहे, क्यों कह रहे यही लूट रहे और कोई नहीं लूट रहा, लूट रहे तो पुलिस पकड़ के क्यों नहीं ले जाती इनको, अभी लड़ाने में चोरी हुई थी तीसरे दिन केस खुल गया, मतलब शिकायत करने वाले को बदनाम क्यों करते हो कि ये लूट रहे हैं, केस खुल गया तीसरे दिन भाई साहब, सारा लगा भाई साहब ये कार्ड उठाओ, ए भाई साहब महंगाई को सारा चाहिए, नू कहते हैं कि वो महंगाई हो रही है, नू कहते हैं महंगाई हो रही है, टैक्स मत दो गवर्नमेंट को और विकास कैसे होगा, फिर टैक्स मत दोगे वैक्सीन लग रही है, कितना होना चाहिए कितना, कांग्रेस सरकार में 10 रुपए टैक्स था पेट्रोल पे, आज के दिन 28 है और दिवाली से पहले 33 रुपए था पेट्रोल पे, कांग्रेस सरकार में 4 रुपए था डीजल डीजल पे, और
₹32 हो गया, अब ₹22 है। तो मोदी जी ने कहा था मैं घटा दूंगा टैक्स, उन्होंने तो 3 गुना बढ़ा दिया। इसमें कोरोना में इन्हें फ्री राशन मिल रहा, सारी चीज फ्री मिल रही है। गवर्नमेंट लाइन लगा दे सुबह 6 बजे, गवर्नमेंट कहा था देवी की वो पैसे आ रहे किसान के, पैसे आ रहे बैंक में और सारे पैसे आ रहे कार्ड बन रहे, पैसे आ रहे, ये खाते देंगे फिर गवर्नमेंट तो पब्लिक ही दे रही है ना फिर। हाँ, तो मोदी जी क्या पब्लिक ही दे रहे, कैसे कह लो, कहीं तो संतुष्टि करनी पड़ेगी। तेल पल्ला तो खर्चे तो हो गई है, अन्न भाग थे ₹80 किलो तेल था, सरसों का ₹200 किलो हो रहा, पेट्रोल जो है ₹60 था है, ₹110 किलो है, डीजल जो है ₹100 लीटर है, आप सीमेंट का कट्टा ले लो ₹400 का है, लोहा है 68 रुपए किलो है, 68 रुपए किलो है, गैस सिलेंडर ₹1000 का है, समझ। और रही बात ये शासन प्रशासन की, इतना है अभी सुनो महंगाई है, मानना महंगाई है, और जो ये जो सरकारी हॉस्पिटल के साथ जाओ, जो वैक्सीन का मूल्य है ₹1500 है, वैक्सीन का एक आदमी के ₹3000 हो गए, परिवार में 5 व्यक्ति ₹15000 हो गए, तो ₹15000 कहाँ जा रहे, गवर्नमेंट अपने घर तक जाओगे क्या? किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे। अच्छा, ये तो कह रहे हैं आपकी बार जो है साइकिल आएगी। साइकिल क्यों आओगी, विकास उसने करे कमल ने, तो साइकिल क्यों आओगी? कह रहे हैं आपकी मोटरसाइकिल का भी तेल महंगा हो गया। मोटरसाइकिल का तेल हमें कितना ही महंगा, जो ₹150 भी होगा जब भी भाजपा की सरकार चाहूंगे, 150 से ऊपर चला गया, 150 से 200 भी हो जाओ। अच्छा, जब भी आपकी बीजेपी माननीय योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, महंगाई आप लोगों के लिए मुद्दा क्यों नहीं है? मतलब एक सवाल हमें है ना, पेट्रोल महंगा होता चिंता नहीं होती आप? हमें कुछ नहीं चिंता, कितने का डलवाते हैं? जितने का भी डले, 100 का डलो, 200 का डलो, 500 का डलो, तेल इतना गिरेगा जितना गिरेगा। क्या करते हो आप, क्या काम करते? काम मेरा रेस्टोरेंट है खुद का। लोग कहते हैं बेरोजगारी महंगाई जो भारी पड़ सकती है, कुछ नहीं है ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, सब आदमी करके खा रहे। तो ये झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं कि बेरोजगारी महंगाई, वो तो है ना एक है ना उसने विपक्ष ने मुद्दा बना रखा है, नहीं महंगाई है, नहीं, कुछ नहीं, मतलब पेट्रोल ₹100 से ऊपर है नहीं, मतलब झूठ बोलते। ₹95 है, ₹100 तो ऊपर नहीं है, ₹95 है, ऊपर चला गया था, अब थोड़ा 5 नीचे आ गया। बेटा गलत हो गया जब से बीजेपी आई, जब से बीजेपी आई बेटा गलत हो गया। ये कह रहे कि 1000 हो गया सिलेंडर, सिलेंडर ₹900 का है, एक मिनट का तेल ₹250 लीटर हो रहा, क्या चीज महंगा नहीं हो रही बताओ, ये तो बताओ, सरसों का तेल ले लो बच्चों के बीच ले, कोरोना काल में स्कूल बंद थे सब बच्चों ने, एक मिनट रुको रुको, पूरी पूरी साल में राशन फ्री खा रहे, एक बात बता दो कौन सा पैसे का खाया, किसने खाया? बिंदे में तो सिलेंडर है ना सिलेंडर, कांग्रेस की सरकार में लाइन में लगना पड़ता था और ₹1200 लोग खरीदते थे, जब महंगाई नहीं थी क्या? सब्सिडी तो मिलती थी लोगों को, मिलती थी सब्सिडी मिलती थी भाई साहब, नहीं मिलती थी भाजपा की सरकार में आई तो मिलती, सिलेंडर की पूर्ति नहीं होती थी। भाई साहब एक बात बताओ, तो ये आपने देखा कि किस तरह सपा और बीजेपी के समर्थक बहस में नारेबाजी करने लगे, जो दिखाता है कि किस तरह की चुनावी गर्मी यूपी में आ चुकी है। आप यूपी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप नमस्कार। परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।